और इस खबर पर वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ का क्या कहना है ये भी सुनिए। वो कह रहे हैं कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आज आरबीआई के सीजीएम मिस्टर दयाल जी ने एक सर्कुलर वायरल किया है जिसमें 2000 रुपीज का बैंक नोट बंद करने का डिसीजन आरबीआई ने लिया है। और ये डिसीजन लेते ही उस सर्कुलर में ये भी लिखा है कि 6 महीने तक यानी 30 सितंबर 2023 तक ये 2000 के नोट बैंक में जमा कर सकते हैं। ये जमा करने की फैसिलिटी हर बैंक ब्रांच में भी है और हर जगह हम बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इससे मुझे लगता है ये इंडिपेंडेंट डिसीजन है।